छतरपुर से नौगांव जाने वाले पुराने हाईवे का चौड़ीकरण कार्य अधूरा छोड़कर ठेकेदार फरार हो गया है। पिछले 6 महीने से इस सड़क का आधा हिस्सा चौड़ीकरण के अभाव में निर्माणाधीन है। आधे हिस्से पर सड़क को खोदकर गिट्टी डाल दी गई है, लेकिन इस पर डामर नहीं किया गया। सड़क पर चलने वाले लोग इस अधूरे चौड़ीकरण से बुरी तरह परेशान हैं। यहाँ रहने वाले विजय तिवारी ने बताया कि नौगांव रोड पर बस स्टैंड से लेकर ओरछा रोड थाने तक बाएं तरफ के हिस्से को खोदकर छोड़ दिया गया है। ठेकेदार ने दाएं तरफ के हिस्से का डामरीकरण कर दिया है, लेकिन बाएं तरफ के हिस्से पर पिछले 6 महीने से काम ठप्प पड़ा है। यहाँ रहने वाले इमरान खान ने बताया कि इस अधूरे पड़े निर्माण कार्य के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। कलेक्टर को जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चौड़ीकरण का कार्य पूरा कराना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? विजय तिवारी। कहाँ पर आपकी दुकान है? किसी इंडसइंड बैंक के सामने। ये चौड़ीकरण 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने अभी तक गड्ढा रोड नहीं बनी है। यहाँ हादसा हो रहे हैं, पानी भर जाता है, दिखता नहीं है, आदमी गाड़ी बढ़ देती है। क्या चाहते हैं? रोड बन जाए और क्या है। ये क्या नाम है आपका? इमरान खान गोल्डी, नौगांव रोड निवासी हैं हम। यहाँ पे लगभग 6 महीने हो गए हैं ये काम चल रहा है। इस पे सड़क निर्माण का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ हादसे के भी डर रहता है, हमेशा हादसे होते रहते हैं, काफ़ी परेशानियाँ जाती हैं और जाम भी लगता है, लोगों को बहुत हैरानी परेशानी होती है। तो ये जल्द से जल्द ये चाहते कि इसका सड़क का जल्द निर्माण हो जाए और ये डबल रोड चौड़ीकरण हो जाए रोड का। भैया अभी कंक्रीट डाल दी गई थी? हाँ, अभी कंक्रीट पड़ी है पर काफ़ी टाइम से पड़ी है, इसका ये काम रुका हुआ है। अब बरसात का टाइम है या पानी भर जाता है, गड्ढे भर जाते हैं, बाहर के लोग जो रहते हैं उनको पता नहीं गड्ढा है, तो गिरने की भी समस्याएं रहती है, हादसे होने की भी समस्याएं होती है काफी।